अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह विकिपीडिया से बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये एक वेबसाइट पे जाएंगे, webfx.com/seo/wikigrammar। और यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे, गेम का नाम लिख सकते हैं, जैसे गेम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गेम ऑफ थ्रोन्स के फॉर एग्जांपल रिलेटेड आ गया। तो यहाँ पे अब इसके आगे आपको ये एक्सटेंशन चाहिए होगा, चेक माई लिंक्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे लिंक्स चेक करना शुरू कर देगा। जो ब्रोकन होंगे वो रेड कलर में होंगे और जो वर्किंग होंगे वो ग्रीन कलर में होंगे। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये जो जो ब्रोकन है वो रेड कलर में हो गए। अब यहाँ से हम इनका कोड कॉपी करेंगे। 116 है तो हम 116 की यहाँ पे सर्च मारेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 404 आ रहा है, और हम वेरिफिकेशन के लिए इधर चेक कर लेते हैं। ये देखें 404 आ रहा है, ये नॉट फाउंड। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम वे बैक मशीन में जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं इस आर्टिकल को, अगर ये एग्जिस्ट करता हो। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे गूगल केज देखेंगे हम। सो ये आप देख सकते हैं कि गूगल केज में अवेलेबल है, तो हम चेक करेंगे अगर ये किसी ने पहले पोस्ट किया। तो ये ऑलरेडी पोस्टेड है और ज़्यादातर तो यूनिक होते हैं, लेकिन आप अपने राइटर से इसके रिलेटेड कोई भी कंटेंट लिखवा सकते हैं। तो ये बैकलिंक्स आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करते हैं, तो इसका कोई नुकसान वगैरह नहीं है अगर ये रिलेवेंट भी थोड़ा सा हो जाए तो। अब इसके रिलेटेड आर्टिकल लिखवा के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये test.com/test हो गया आर्टिकल। तो अब हम जाएंगे विकिपीडिया पे और लॉग इन करेंगे। ओके, सो लॉग इन हो गए, 116 नंबर था। तो जब हमारा आर्टिकल रेडी हो जाए या उसके रिलेटेड अगर हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी कोई आर्टिकल हो तो वो हम इधर से 116 निकालेंगे। और अच्छा, तो वो लास्ट आर्टिकल में ये मिस्टेक हुई थी कि वो आर्टिकल सेमी प्रोटेक्टेड है। सेमी प्रोटेक्टेड आर्टिकल एडिट नहीं हो सकते, तो इस वजह से ये मैंने एज एन एग्जांपल एक और देख रहा हूँ। ये मिसाल के तौर पे अगर मेरा असासिन क्रीड के रिलेटेड आर्टिकल है तो मैं इधर असासिन क्रीड लिखूंगा और चेक माय लिंक से सर्च शुरू कर दूंगा। और ये देख सकते हैं आपके दो लिंक्स ब्रोकन हैं, ये 71 नंबर का, 71 की सर्च करूंगा।
और ये आप देख सकते हैं ये ब्रोकन है। तो इस तरह आप इधर से एडिट सोर्स कर सकते हैं, और ये जो है इसको सर्च करेंगे ओके। सो वो भी एडिट नहीं हो सकते थे कॉलम्स, तो ये मुझे एक इस आर्टिकल में मिला है ओडासी में, ये वाला। और इस यूआरएल को चेक करें तो ये 404 है। इसको आप वेब बैक मशीन के अंदर चेक करें, थोड़ा और बैक चले जाते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये एग्जिस्ट कर रहा था तब। तो इस तरह का आप भी एक बना के जिसमें इसी को रीराइट करके अपने वर्ड्स में राइटर से, तो वो आप लिंक इधर पेस्ट कर सकते हो test.com/। ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो आपका यूआरएल वो यहाँ एंटर करके पब्लिश चेंजेस पे कर देना। तो अगर वो टोटली रेलिवेंट हुआ तो पब्लिश हो जाएगा और डिलीट भी नहीं होगा। मैंने अपनी वेबसाइट के इस तरह ही बनाए थे और वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने लास्ट ईयर खुद ही रीराइट कर किए थे और ये अभी तक वहाँ पे हैं जो रिमूव नहीं हुए। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह रिमूव भी नहीं होंगे और आप जब तक चाहें यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप विकी क्रैपर को करें, आप इसकी सर्च बार में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने असासिन की वीडियो फाइंड किए हैं इस तरह सर्च करके, और एक्सटेंशन से सर्च करें और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अब पसंद आया होगा मेथड। वीडियो देखने के शुक्रिया, और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अलीम इकबाल, और हमारा ग्रुप ज्वाइन करें SEO मास्टर्स अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।